मध्य प्रदेश के रीवा में महिला मित्र के साथ बर्बरता करने वाले पंकज त्रिपाठी को खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इतना ही नहीं, मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया है। खाना पूर्ति करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों में से थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आरोपी पंकज त्रिपाठी पर अपहरण, मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पूरे मामले का वीडियो वायरल करने वाले युवक के खिलाफ भी आईटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला है रीवा जिले के मऊगंज का, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में प्रेमी प्रेमिका गांव की सुनसान सड़क पर थे और इस वीडियो में ये सुना गया कि प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी की जिद करने लगती है। उसका कहना था कि शादी कर साथ चलते हैं। इसी बात को लेकर आरोपी पंकज को गुस्सा आया और उसने देखते ही देखते युवती के साथ गाली गलौज से मारपीट शुरू कर दी। वो उसके साथ बर्बरता करता रहा जब तक युवती बेहोश नहीं हो गई। उसके बाद युवती घंटों बेहोश पड़ी रही सड़क के किनारे। पूरा घटनाक्रम पास ही खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस दौरान गांव के कुछ लोग मौके पर आ गए, वही पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती को अस्पताल भर्ती करवाया और धारा 151 के तहत कार्रवाई कर खाना पूर्ति कर दी। इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और ये भी जानकारी सामने आई कि पंकज त्रिपाठी को पहले तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके बाद उसे कुछ ही देर बाद छोड़ भी दिया गया। सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क गया। इसी के साथ जब मामला पूरी तरह खुलकर सामने आया तो पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। घटनाक्रम जो आपने देखा उसके पश्चात दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसमें अभी हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब और SDOP साहब की टीम ने जाके वहाँ पे परीक्षण करने के पश्चात जो पाया उसके अनुसार उन लोगों ने वहाँ पे जो आरोपियों के घरों में अतिक्रमण था, जो भी उनके द्वारा वैध कब्जे थे, उस पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जिसके फोटोज वगैरह आपके पास पहुँच गए होंगे। आगे जो भी कार्रवाई और हम लोग करेंगे वो भी आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करने में विलम्ब और महिला अपराध में संवेदनशीलता न बरतने क्रम में उनको निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है। एडिशनल SP मऊगंज को जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही आगे इसके बारे में और चर्चा की जा सकेगी। थाना प्रभारी श्वेता मौर्य को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके बाद पंकज त्रिपाठी के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।